हकीकत की दुनिया के काबिल एहतराम और मोहज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं अहमद और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, ऊँट के पीठ पर एक या दो कोहान होते हैं जो चर्बी जमा करते हैं। ऊँट रेगिस्तान में खुराक और पानी के बगैर कई दिन तक जिंदा रह सकते हैं। सहरा की शदीद गर्मी से बचने के लिए ऊँटों का जिस्म बालों से ढका होता है और इनकी जुल्द मोटी होती है। ऊँट ज़हीन जानवरों के तौर पर जाने जाते हैं। ऊँट एक बड़े साइज का जानवर है और इसे सहरा जहाज भी कहा जाता है। इसकी चार बहुत लंबी टांगें और एक दुम है जो इसके जिस्म के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में छोटी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाले तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और आपके मालूमात में इजाफे का बायस बन सकें। मोहतरम नाजरीन, ऊँट के गर्दन लंबी और छोटी होती है जिसकी वजह से वो ऊंचे झाड़ियों या दरख्तों के सब्ज पत्ते खा सकता है। ऊँट का मुंह होता है जो इसके जिस्म से छोटा होता है। इसके मुंह में 34 बड़े दांत हैं। ऊँट का कद बहुत लंबा होता है, ये तकरीबन 9 से 10 फीट होता है। ऊँट के पीठ में एक थैला होता है जो इसे मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए पानी जखीरा करने में मदद देता है। ये थैला एक वक्त में 20 से 30 लीटर पानी बचा सकता है। पानी के इस थैली की वजह से ऊँट तकरीबन एक माह तक बगैर पानी के सहरा में रह सकता है। मोहतरम नाजरीन, ऊँट के दो बड़ी आँखें होती हैं जिन पर एब्रू बड़े बाल होते हैं ताकि इसकी आँखों को सहरा के गिर्दो गुबार से बचाया जा सके। मोहतरम नाजरीन, ऊँट के दो कान होते हैं। इसके कानों के गिर्द बालों की दीवार है ताकि कानों को रेत के तूफानों से बचाया जा सके। ऊँट एक ज़हीन जानवर है क्योंकि जब वो गुजरता है तो उसे हमेशा रास्ता याद रहता है, इसलिए ये सहरा में कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। मोहतरम नाजरीन, एक ऊँट एक साल में 1 से 2 बच्चों को जन्म दे सकती है। मोहतरम नाजरीन, ऊँट के पाँव की उंगलियाँ बड़ी होती हैं जिसकी वजह से वो सहरा की मिट्टी में तेजी से चलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।